नमस्कार दोस्तों। आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं ऑप्शन के ऊपर बेस करके, स्पेशली स्टॉक ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे भी स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो आपके लिए एंट्री जितना इम्पोर्टेंट है, एग्जिट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं पर सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली देखेंगे, और कभी कभार ये चीज उल्टा भी होता है, जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही हम लोग फंसते हैं, रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। एज ए एग्जाम्पल, आज को मैं IRCTC का चार्ट लगाया हूँ, 1020 का कॉल ऑप्शन। तो आज को 21 तारीख है, देखिए ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। कैंडल का कलर देखिए थोड़ा ब्लू टाइप का बन रहा है, ब्लू कैंडल का मतलब ये है ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, और नेक्स्ट कैंडल जैसे ओपन होगा आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली सिग्नल पॉपअप होते दिखेगा। जैसे ये जो ग्रीन कलर का एरो है, ये आपका बाय का सिग्नल है, जब भी कोई सिग्नल बनेगा राइट साइड में उसका वैल्यू लिख के आएगा। जैसे 22 रुपीज में ये बाय का कॉल मिला है। अब क्वेश्चन ये है, कॉल सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, एंट्री लेने का पहले एक ट्रेडर को यहाँ पर 3 चीज को देखना है। सबसे पहले बाइंग का टाइम, नीचे का जो रिबन है उसका कलर को ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन है इसका मतलब है ऑलरेडी मार्केट में बायर स्ट्रांग है। दूसरा कंडीशन होता है बाय का कॉल का, पहले हमेशा एक स्टार रहेगा ग्रीन कलर का जो ब्लू कैंडल का नीचे आपको दिख रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ब्रिक्स इंडिकेटर, जिसका कलर को ग्रीन होना चाहिए और ये व्हाइट लाइन का ऊपर होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन मैच होता है तभी जाके इस कॉल को आप स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। एंट्री लेने का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो आपको स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। सिग्नल का पहले हमेशा एक ब्लू कैंडल बनता है और आपका जो पहला स्टॉप लॉस रहेगा वो ब्लू कैंडल का लो का नीचे। सपोज इस ब्लू कैंडल का लो है 21.15, तो मुझे इसका आसपास या नियरेस्ट कोई भी वैल्यू में आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेड कर सकते हैं। फाइनली देखिए, 22 रुपया में आप बाय एंट्री ले रहे हैं, काफी छोटा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बढ़ा के भी आप रख सकते हैं, और टारगेट इस हिसाब से नहीं रहेगा। टारगेट के लिए बेसिकली हम लोग ऊपर में जो ब्रेकआउट एंड ग्रीन डॉटेड लाइन है इसका ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए, टारगेट बोल के कोई चीज नहीं होता है, मार्केट कितना मूवमेंट करेगा नोबडी नोस, बस रेजिस्टेंस लाइन क्या होता है हम लोग को एक आइडिया दे देता है जो मार्केट कितना मूवमेंट कर सकते हैं। सोचिए, आप 22 रुपीज में एंट्री ले रहे हैं और ग्रीन डॉटेड लाइन का वैल्यू है 27 रुपीज, राइट साइड में लिखा हुआ है, तो देखिए 5 पॉइंट का मूवमेंट आपका यहाँ पर होने का संभावना है। बट कभी कभार क्या होता है उससे ज्यादा भी मार्केट जाता है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एग्जिट। तो देखिए हम लोग एग्जिट कहाँ पर कर रहे हैं, 22 रुपीज में सोचा आप एंट्री लिए हैं। अभी एंट्री लेने के बाद आपका जो मेन फोकस रहेगा वो है नीचे का ब्रिज की तरफ। जब तक ब्रिक्स का कलर ग्रीन है एंड व्हाइट का ऊपर है तब तक आपका पोजीशन सिक्योर है। देखिए, धीरे धीरे मार्केट ऊपर का तरफ जा रहा है, नीचे का रिबन ग्रीन है, ब्रिक्स का कलर अभी भी ग्रीन है, और ऊपर में जो ग्रीन डॉटेड लाइन है वो आपका रेजिस्टेंस लाइन है, जो मैं पहले ही बताया, जो रेजिस्टेंस तक जाने का एक उम्मीद होता है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 27 पे था, देखिए एक झटके में यहाँ पर 35 का हाई मार दिया, तो 22 से लेकर 35 ऑलरेडी एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल चुका है। एग्जिट आप कहीं पर भी कर सकते हैं, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो अभी भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे का जो ब्रिक्स इंडिकेटर है वो अभी भी व्हाइट का ऊपर मूव कर रहा है। जब तक ब्रिक्स इंडिकेटर व्हाइट का ऊपर मूव कर रहा है इसका मतलब है अभी भी आपका पोजीशन सिक्योर है, आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एंट्री का साथ साथ एग्जिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम छोटा प्रॉफिट लेके जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट लंबा रैली देखेगा, तो रैली अक्सर हम लोग का हाथ से छूट जाता है। तो अगर आप अपने एग्जिट को प्रोमिनेंट बना लिए तो आप इस रैली को पकड़ सकते हैं। तो ये लॉजिक काफी सिंपल है। एंट्री लेने का पहले, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, 3 चीज को आपको फॉलो करना है। जैसे सपोज ये सुबह का बाय का कॉल था, यहाँ पर हम लोग 3 चीज क्या देखे, एक है ग्रीन स्टार, नीचे का रिबन को देखना है, और ब्रिक्स वाला इंडिकेटर को व्हाइट लाइन का ऊपर मूवमेंट करते हुए दिखना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन मैच है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और एग्जिट के लिए आपको वही ब्रिक्स वाला इंडिकेटर को फॉलो करना है, या फिर आप मिडिल में देख सकते हैं 2 लाइन चल रहा है जो ग्रीन होकर ऊपर जा रहा है, जब तक ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस ओवर होकर इसका कलर चेंज नहीं होगा तब तक आप अपना पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं एग्जिट पॉइंट कैसा होता है और कहां पर हम लोग को एग्जिट करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए अभी यहां पर
दो लाइन आपस में क्रॉसओवर होगी, इसका कलर चेंज हो रहा है, पिंक हो रहा है, तो ये एक संकेत है एग्जिट करने का। अदरवाइज आप नीचे का ब्रिज को देखते हुए थोड़ा सा अभी भी वेट कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाई देगा ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट का नीचे मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, तब जाकर आप अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लीजिएगा। तो देखते देखते देखिए यहाँ पर दोबारा एक ब्लू कैंडल बन रहा है। ब्लू कैंडल का मतलब ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, और जैसे ब्लू कैंडल खत्म होगा नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग वैल्यू में कॉल आपका सामने पॉपअप हो जाएगा। अभी कॉल सही है या गलत है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वही सेम तीन चीज को देखना है। जैसे ये जो सेल का कॉल बना है, देखिए नीचे करीबन अभी भी इसका ग्रीन है, ना ही सेल का कॉल का पहले कोई रजिस्टर बना है, ब्रिक्स वाला इंडिकेटर आपका फेवर में चला गया। तो ये तीन कंडीशन को आपको मैच करना है, तीन में से कोई भी एक कंडीशन अगर मैच नहीं होता है तो आप वहां पर ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट के बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलआईसी ब्रोकर का सब काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज है आप वीडियो के नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं या डायरेक्टली हम लोग को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।